सुप्रिय शिक्षार्थी तुम्हारा सबा कम आशा करी सबा तुम्हारा भलो आज आजकल अनलाइन क्लस तुम्हारे सबा के स्वागत जाची मोहम्मद रंजु आलम सहकारी शिक्षक बनश्री नैशनल आइडियल स्कूल बनश्री नैशनल आइडियल स्कूल करतृक आयोजित बी एन आई एस होम स्कूले तुम्हारे सबा के स्वागत जाची आजकल पर्व आजकल पर्व सजानो अनुच्छेद नहीं तरगे चलो हमें किस विषय शेयर कर आजकल क्लस न उन्नीस और तुम्हार आज के मोबाइल नम्बर देखते 01734777034 और आज के तारीख हे 20/6/2021 और को बारे आज के आज पढ़ाटा पढ़ानो विषयटी नेवा तरह को बारे काज नहीं मोबाइल नम्बर देखते फेसबुक आईडी देखते रंजु आलम चलो हमारे आजकल आलोचन फिर जाए आजकल आलोचना हे अनुच्छेद तुम्हारे अनुच्छेद तो हमें बुझीजे इंग्लिशे जाके पैराग्राफ बोले अनुच्छेद आसले कैकटी वाक्य कल्पकथा को एक विषय निर्दिष्ट किस बला एखे अनुच्छेद लेखार समय एक विषय ऊपर भाव व विषय निर्दिष्ट रखते हैं एखे अप्रासंगिक कथा बला जाए ना एवं एक अनुच्छेद आदर्श अनुच्छेद हलो 10 থেকে 15 वाक्यर मध्य जो अनुच्छेद लेखा है से हे आदर्श अनुच्छेद अर्थात 150 থেকে 200 वाटर मध्य एक अनुच्छेद लिखते हैं अनुच्छेदे साधु व चलित भाषार को मिश्रण घटाना जाए ना और अनुच्छेदे सब समय एक भाव ही बजाय रखते हैं अप्रासंगिक किछु अवतारणा करा जाए ना चलो अनुच्छेद रचना किस विषय आछे जेगुलो आमादेर जानते हैं अनुच्छेद लेखा बा बलार आगे चलो अनुच्छेद रचना किस नियम जे आमरा अनुच्छेद सम्पर्के किछु जेने नेई जे मनेर भाव सम्पूर्ण रूपे प्रकाश करार जन्य परस्पर सम्बन्धयुक्त वाक्येर समष्टि अनुच्छेद अर्थात एक कथाय कोनो विषयके जदि छोटो आकारे सामान्य किछु कथाय लिखते हय तखन ताके अनुच्छेद बले चलो अनुच्छेद रचनार कयेकटी नियम आछे सेगुलो हच्छे अतिरिक्त कोनो कथा लेखा जाबे ना जा प्रासंगिक आमादेर कि करते हबे ताई लिखते हबे आर सुशृंखलभावे साजानो वाक्येर माध्यमे विषय ओ भाव प्रकाश करते हबे सुशृंखल एलोमेलो वाक्य लेखा जाबे ना भाव ठीक रखते हबे अनुच्छेदटी बेशी बड़ो करा जाबे ना अनुच्छेदटी कि बेशी बड़ो करा जाबे ना बेशी बड़ो करले आमरा जदि एकटा जे कोनो विषयेर सूचना वर्णना उपसंहार दिई सेटा किन्तु रचना हये जाबे बा एसे जाके बोले सेटा किन्तु हये जाबे ठीक ता करा जाबे ना एकई कथार पुनरावृत्ति जाते ना घटे सेदिके ख्याल रखते हबे अर्थात एकई कथा एकई वाक्य बार बार व्यवहार करा जाबे ना सहज सरल भाषा सुंदरभावे तुले धरते हबे एवं जटिलता तैरी करा जाबे ना लेखाय धारावाहिकता बजाय रखते हबे कारपुर कि लिखेछो एटा जाते सुशृंखल बा धारावाहिकता बजाय थाके सेदिके ख्याल रखते हबे आर अबान्तर ओ प्रासंगिक कथा लेखा चलबे ना साधु चलित भाषार मिश्रण जाते ना घटे सेदिके ख्याल रखते हबे आर एखाने किछु रयेछे जे अनुच्छेद लिखते गेले देखो अनुच्छेद लिखते गेले अनुच्छेद लिखते हबे अवश्य एक पैराय संक्षेपे 150 থেকে 200 शब्देर मध्ये एक पैराय आमादेर एक पैराय लिखते हबे आपनारा जोदि कोयेकटा पैरा दे सेटा हबे ना एकटा अंशे एकटा पैरा तो बुझो जे फाक एकटा थेके एकटा दूरत्व एकटा पैराय आमादेर लिखते हबे लेखाटि जेन तथ्यबहुल हय सेदिके ख्याल रखते हबे तथ्यगुलो अनेक किछुई लिखलाम किन्तु आसल जे जिनिसटा कि सेटा आमरा बुझाते पारलाम ना ताहले किन्तु हलो ना आसले तथ्यबहुल कथाटा हच्छे जे जिनिसटा आमरा लिखते चाच्छि जाते तथ्य समृद्ध हय एकटा विषय जाते सबाई बुझे सार्बिकभावे एकटा तथ्य पाए अनुच्छेद सब समय एक भाव विषय नहीं आलोचना करते तो आगे कथा पॉइंटी एवं 10 থেকে 15 वाक्य अनुच्छेद ही हलो आदर्श अनुच्छेद 10 থেকে 15 वाक्य भेतर तुम जो अनुच्छेद लेखो से हलो आदर्श अनुच्छेद आसले बड़ करार कोनो एखाने नियम नहीं कथागुलो प्रासंगिक सुशृंखल धारावाहिकता बजाय रखते हबे अप्रासंगिक कथा लेखा जाबे ना गुरुचण्डाले दोष करा जाबे ना एवं एक विषय भाव निबंध थाकते हबे एवं सहज सरल भाषाय लिखते हबे चलो आमादेर आज के एक अनुच्छेद आलोचना करी जेटा हच्छे शहीद मिनार ए विषय एक अनुच्छेद आमि लिखेछि तोमादेर सुविधार्थे चलो आमरा पढ़े नेई 1952 साले भाषा आंदोलन केंद्र करे गड़े उठे शहीद मिनार 21 ফেব্রুয়ারি बांगला भाषार दाबीते जारा निजेदेर प्राण उत्सर्ग करेछिलो तादेर स्मृति रक्षाते शहीद मिनार निर्मित हय एटी आमादेर मने करिये देय मायेर भाषा आमादेर काछे कत आपन प्रत्येक बछर शहीद मिनारे फुल दिये आमरा भाषा शहीददेर स्मरण करी ओ श्रद्धा जानाई बर्तमान शहीद मिनारटी रक्षा करें स्थापति हामिदुर रहमान एटी ढाका मेडिकल कलेजेर सामने उपस्थित ए शहीद मिनारे आदले बांग्लादेशे विभिन्न स्थाने शहीद मिनार निर्माण करा हय आमादेर जा किछु महान जा किछु शुभ तार संगे शहीद मिनारेर गभीर सम्पर्क रयेछे एटी शुधु एकटी मिनार नय एटी आमादेर प्रेरणार प्रतीक शुधु भाषा आंदोलन नय
মুক্তিযুদ্ধেও শহীদ মিনার আমাদের প্রেরণা জুগিয়েছে। আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে শহীদ মিনারের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। বিভিন্ন জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠান হয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে। শহীদ মিনার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। বাঙালির সঙ্গে সঙ্গে গোটা পৃথিবীর মানুষ আজ শহীদ মিনারের সামনে দাঁড়িয়ে ভাষা শহীদদের অবদানকে শ্রদ্ধাভাবে শ্রদ্ধা করে স্মরণ করে। দেখছো, আমি একটু দ্য পয়েন্ট এখানে একদম তত্ত্বভুল কথা লিখেছি। আসলে শহীদ মিনার কী আমি অল্প কথা বুঝিয়ে দিয়েছি। আসলে অনুষ্ঠানের সেটা হচ্ছে তাই যে অল্প কথাই বিষয়টাকে বুঝিয়ে দেওয়া, আমি বেশি কথা না, টু দ্য পয়েন্ট। অর্থাৎ মূল মূল কথাগুলো আমাকে এখানে তুলে ধরতে হবে, মূল কথাগুলো, তত্ত্ববহুল কথাগুলো আমাদের তুলে ধরতে হবে। আশা করি তোমরা বুঝেছো। আজকের এই অনুষ্ঠানটি আমি তোমাদের সাথে যে আলোচনা করলাম, তোমরা অবশ্যই নিয়মগুলো ফলো করবে, যে আমি এখানে কয়টা নিয়ম দিয়েছি এই নিয়মগুলো ফলো করবে, এবং তোমরা এই নিয়মের আলোকে এটাকে ফলো করে যে কোনো বিষয়ে তোমরা ইচ্ছা করলে অনুচ্ছেদ লিখতে পারো। তোমাদের যাতে খেয়াল রাখতে হবে যাতে ভাষাগুলোর মিশ্রণ না ঘটে, ছাত্রচলিত যাতে ভাষার ধারাবাহিকতা বজায় থাকে, একটা ভাব ঠিক থাকে এবং সুশৃঙ্খলতা বজায় থাকে, এগুলো তোমরা খেয়াল করবে। আবার দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে। সবাই ভালো থেকো, খুদা হাফেজ।